اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق العظيم. It is my pleasure to share with knowledge of the subject known as economics. My name is Abtahir. Aaj inshallah taala hum lecture number 2 de rahe hain economics ke. Economics ka lecture number 1 ke andar humne Adam Smith ko discuss kiya tha aur ab hum inshallah Alfred Marshall ko discuss karenge. और ये आई काम और डी काम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए माशाल्लाह बेनिफिट है, उसके लिए एफर्ट की जा रही है. तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं. इंट्रोडक्शन वही है जो इंट्रोडक्शन हमने एडम स्मिथ का पढ़ा था, वही अल्फर मार्शल का पढ़ेंगे जी. पहले बुक का जो नेम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है. इंट्रोडक्शन के अंदर इकोनॉमिक्स ड्राइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से. Economics means the management of the house affairs. इससे मुराद house affairs से मुराद आपके पास क्या चीज है कि घर घर के काम काज, ठीक है, को तरतीब देना. लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था easiest it was the concern of part of the critics and political and to the and it was called political economics. यानी कि इसको हम पहले शुरू में political economics के नाम से जानते थे. अगर मैं पहले की बात करूं कि मीन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हाउस अफेयर, इससे मुराद घर के काम काज को तरतीब देना. जैसे घर के अंदर जो लोग होते हैं, एक शख्स का काम होता है घर से बाहर जाकर जॉब करना, ठीक है. जॉब करने के बाद वो कुछ सरमाया लेके आता है, ठीक है, और वो घर की जरूरियात पूरी करता है. वो घर के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी काम होता है सफाई करना, खाना बनाना, ठीक है. और जब टेलीविजन हम मिलकर बैठ के देखते हैं तो टेलीविजन जब सब मिल पहले देखते हैं तो जो एक इंसान इसको सिलेक्ट करता है कि हमने कौन सा चैनल में कौन सा चैनल को देखना है. ये सब चीजें क्या होती है मैनेजमेंट के अंदर, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर बता दिया था. अगर तो गेन देखते हैं कि अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी कि इसको पॉलिटिकल का नाम दिया गया, अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी सियासत का नाम दिया गया था शुरू में, फिर जब अल्फ्रेड एडम स्मिथ ने डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की प्रॉपर की तो फिर इसको इकोनॉमिक्स का नाम से जाना जाता था, ठीक है. ये हमने डिस्कस किया था पहले भी. अब आगे था स्कूल ऑफ थॉट. स्कूल ऑफ थॉट से मतलब है मकतबे फिकर. क्या है स्कूल ऑफ थॉट? अ ग्रुप ऑफ पीपल हैव सेम ओपिनियन इज कॉल्ड स्कूल ऑफ थॉट. यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप ग्रुप या ग्रुप जिसकी जो राय है या ओपिनियन क्या हो सेम हो, वो क्या होता है आपके पास स्कूल ऑफ थॉट. मकतब फिकर से मुराद हम ऐसे भी ले सकते हैं जैसे मैं पहले बताया था कि जैसे कि फिरके होते हैं मजाहिब के अंदर, इस्लामिक फिरका भी है यानी कि मुस्लिम के अंदर और क्रिश्चियनिटी के अंदर भी फिरके हैं. तो इसीलिए इकोनॉमिक सोशल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर भी तीन मकतब फिकर हैं, तीन फिरके हैं. तो तीन फिरके में पहला फिरका यानी कि हमने पॉइंट को किया, अब सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास इकोनॉमिक द साइंस ऑफ वेल्थ यानी कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट. अगर सेकंड की बात करें इकोनॉमिक द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, नो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट यानी कि जिसका ये आज हम डिस्कस करेंगे, इसके फाउंडर हैं जिन्होंने इसको बनाया, इस डेफिनेशन को बताया, जिन्होंने बताया कि मटेरियल वेलफेयर इंसानी ह्यूमन बीन है, इंसान की वेलफेयर के लिए काम किया. नो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट इसके जो बानी है, जो फाउंडर है वो अल्फ्रेड मार्शल जो जिन हम डिस्कस करेंगे इस पे. इकोनॉमिक साइंस ऑफ द नेसेसिटी एंड द चॉइस ये है मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ये थर्ड है चला थर्ड लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे. अच्छा इसमें एडम स्मिथ की डेफिनेशन, एडम स्मिथ के पसमंदर बताएंगे कहाँ के रहने वाले थे, किस कंट्री से बिलोंग थे, उसके बर्थडे थे, सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. और इनकी डेफिनेशन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर वो भी डिस्कस करेंगे जी. आगे है अल्फ्रेड मार्शल के बारे में बताएंगे. अल्फ्रेड मार्शल कौन? अल्फ्रेड मार्शल है नेम है अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल है. और अगर बर्थ रेट की बात करें, बर्थ रेट जो है 1832 से 1927. और कंट्री कौन सी है इसकी? इनकी इंग्लैंड के रहने वाले हैं और इन्होंने कंट्रीब्यूशन की इकोनॉमिक्स की फील्ड के अंदर उन्होंने बनाया कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स बुक उन्होंने पब्लिश की. वो किस साल में की? 1890 के अंदर, ठीक है. और इन्होंने जो थ्योरी पेश की, जो उनका मौकिफ था, जो उनका नुक्ते नजर था इस डेफिनेशन का, वो ये था थ्योरी ऑफ द एंटर द बुक बुक एंटर जो उन्होंने थ्योरी पेश की बुक के अंदर, इकोनॉमिक द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, इंसानियत की, इंसान की वेलफेयर, इंसान के भला बहबूद के लिए काम करने का उन्होंने यहाँ पे बताया, इंसान की वेलफेयर के लिए भी काम होना चाहिए.
ये इनकी थ्योरी, इनका मकसद था, डेफिनेशन जो बनाई है, अगर हम इनकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज द बुक इन द फॉरन द वर्ल्ड, यानी कि जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की है एडम स्मिथ ने, आज वो डिस्कस करते हैं बच्चों। लेंथी डेफिनेशन है मगर इसमें उन्होंने इंसान की वेलफेयर के लिए जरूर काम किया और ये बहुत मकबूल भी हुई, ठीक है। ये नॉन क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर है एडम अल्फर मार्शल। अच्छा, ये अल्फर मार्शल की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विद स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, यानी कि इंडिविजुअल और इंफ्रादी और इज्तिमाई एक्शन, दो तरह के एक्शन होते हैं, डिस्कस होगा इसके अंदर, विच आर मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मेटल रिक्विजिट ऑफ वेलबींग। मेटल रिक्विजिट से मुराद जो अल्फर मार्शल ने लिया बच्चों, वो मेटल रिक्विजिट से मुराद उसने वेल्थ लिया, ठीक है। Thus, economics is on one side of the wealth and on the other and more important side a part of the study of man। यानी कि इन्होंने मेन मकसद जो मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया कि इनका मकसद है इंसान की फलाह बहबूद के लिए, ठीक है जी। अगर डेफिनेशन के एक्सपेक्ट देखें, इकोनॉमिक साइंस विल स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इसमें माशियात में इंसान की मादी, इंसान की मादी मामलात का मुतालिया किया गया, जिसमें इसका ताल्लुक इंसान की रोजमर्रा मामलात का जायजा लिया जाता था, कि इंसान के रोजमर्रा मामलात में इसमें जायजा लिया जाता था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इज एग्जामिन दैट द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। इसमें दो तरह के एक्शन लिए, यानी इंसान के इंफरादी और इज्तमाई हिस्सों का जायजा लिया जाता, जिसमें जिस इंसान की जिससे इसका गहरा ताल्लुक है, जिससे यानी कि इंसान की इंफरादी और इंफरादी इज्तमाई जो जो जरूरियात होती है इनका जायजा लिया जाता है, वो जायजा बहुत गहरा तक रखता है इसके अंदर। फिर आगे वो कहते हैं अटेनमेंट विद द यूज ऑफ द मेटल रिक्विजिट ऑफ द वेल बींग। Thus, economics is the one side of the wealth and on the other and more important side of the part of the study of man, जिसमें इंसान की खुशहाली के मादी लवाजमात को इस तरह इस्तेमाल किया जाए, किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाए, किस तरह इसको हल किया जाए, ठीक है, मादी लवाजमात की तरह की ख्वाहिशात। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको बताया था मैटर रिक्विजिट, मैटर रिक्विजिट को एडम स्मिथ ने, जो सॉरी अल्फर मार्शल ने मेटल रिक्विजिट को वेलफेयर वेल्थ का नाम दिया गया। इंसान की खुशहाली के लिए सबसे जो मेन मकसद है वो इंसान की क्या विश होती है, वो विश होती है वेल्थ, यानी कि दौलत उसकी ख्वाहिश होती है कि दौलत होगी तो वो अपनी ख्वाहिशात अपनी जो जरूरियात उसको वो अच्छी तरह पूरा कर सकेगा, ठीक है जी। ये डेफिनेशन का उनका था। अच्छा, हमने बोला, मैंने तो बताया कि इंसान की दो एक्शन की जाती है, ठीक है, इस डेफिनेशन के अंदर बताया कि इंसान इंडिविजुअल और सोशल, यानी कि इंसान इनफरादी और इज्तमाही तौर पर भी काम करता है। अगर इसमें इनफरादी तौर पर यानी कि इंडिविजुअल एक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे शख्स जिसमें इंसान ऐसा काम जिसमें इंसान को करने में उसको फ़ायदा हो, ठीक है, क्योंकि एडम स्मिथ ने भी ये कहा, अल्फ्रेड मार्शल ने भी यही कहा कि इंसान की ह्यूमन की बात की है, तो उन्होंने कहा वो ऐसा काम किया जाए कि जिससे इंसान की वेलफेयर में भी इजाफा हो। तो अगर ये होगी इंडिविजुअल होगी, ये होगी इंडिविजुअल। अगर सोशल की बात की जाए, सोशल से मुराद होता है कि ऐसे कि सोशल यानी कि इज्तमाई, यानी कि इज्तमाई कुर्बानी, यानी कि सब मिलकर करते हैं ना, तो इसी तरह इज्तमाई सोशल एक्शन से मुराद ऐसा एक्शन जिस माशरे में ऐसा इंसान जो अपने लिए भी कुछ काम करे और अपने मुल्क के मकसद के लिए भी काम, यानी कि मुल्क के लिए भी वो एफर्ट और मेहनत करे, ठीक है जी, वो क्या होता है सोशल एक्शन। और इनका जो इस डेफिनेशन का या एडम स्मिथ की पूरी डेफिनेशन का मेन मकसद जो है वो है इंसान की वेलफेयर, इंसान की फलाह बहबूद, इंसान की मादी लवाजमात के लिए काम करना है, ठीक है जी। ये थी डेफिनेशन अल्फर मार्शल की जो हमने डिस्कस किया। अच्छा, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि एडम स्मिथ ने कैसे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताया हमें, तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे यूजफुल साइंस, मुफीद इलम इसको कहा गया एडम स्मिथ ने। स्मिथ कहते हैं कि ये क्या है, मुफीद इलम है। तो मुफीद इलम इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेट करती है विद द डेली लाइफ ऑफ मैन, इंसान की रोजमर्रा जिंदगी के बारे में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो अल्फर मार्शल ने डेफिनेशन दी है, जो उसने मौके बयान किया उसमें इंसान की वेलफेयर की बात की है, कि इंसान की वेलफेयर यानी कि इंसान ऐसा काम के लिए काम किया जाए जो इंसान के लिए लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाए, यानी कि उसकी जो ख्वाहिशात है वो उसको
पूरा उसकी नीड को वो पूरा करता है। किसी लिए इसने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के अंदर उसने जो मेन पॉइंट दिया वो है यूजफुल साइंस। ठीक है जी बॉयज, अगर दूसरा पॉइंट भी डिस्कस करें द स्टडी ऑफ द पीपल लिविंग इन सोसाइटी, यानी कि उन्होंने ऐसे लोगों का मुताला किया जो माशरे के अंदर रहते हैं, ऐसे लोग जिनका माशरे में ताल्लुक है, जो माशरे से दूर है उनका उन्होंने ताल्लुक इस माशिया से उनका ताल्लुक दूर कर दिया। कैसे उन्होंने किया, उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स अफेक्ट करता है ऑफ द पीपल ऑफ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी लिविंग ऑन द सोसाइटी एंड स्टडी, यानी कि जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं, माशरे के अंदर रहते हैं, जो काम काज करते हैं, जो एफर्ट करते हैं, वो क्या है माशियात के अंदर शामिल है। आगे फिर उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज नॉट इन टू द सोशल, इकोनॉमिक्स इज नॉट कनेक्ट, इकोनॉमिक्स को कनेक्ट नहीं करती, उसको दरा है माशियात से बाहर निकाल देती है कि विद द एक्टिविटी ऑफ द सैंड हार्मफुल एंड मेड, यानी कि ऐसे लोगों को जो दरवेश होते हैं, जो यानी कि दुनिया से कतर ताल्लुक हो जाते हैं, यानी कि अपने आप को दुनिया से आइसोलेट कर लेते हैं, दूर हो जाते हैं दुनिया के लाजमा से, उसको माशियात के अंदर उन्होंने शामिल नहीं किया। और उन्होंने कहा जो पागल है, जो मेड है, और उसको भी साधु को भी उन्होंने इसमें शामिल नहीं किया। ठीक है, ये था उनका दूसरा डेफिनेशन, दूसरी पॉइंट था डेफिनेशन का। थर्ड पॉइंट था द स्टडी ऑफ अफेक्ट कंसर्न विद द मैटर इक्विजिस्ट, जैसे कि मैटर इक्विजिस्ट से मतलब क्या होता है वेल्थ लिया है एडम स्मिथ ने, इसमें एडम स्मिथ ने मादी लवाजमात यानी कि मादी लवाजमात से मुतल्लिक कोशिश का मुताला किया है। अच्छा, मैटर रिक्विजिस्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है मैटेरियल रिक्विजिस्ट, एक होता है नॉट मैटेरियल रिक्विजिस्ट, मगर अल्फर मार्शल ने इसमें सिर्फ एक ही चीज को अपनी तारीफ का और अपने बात का मौकफ बनाया कि इसमें सिर्फ डिस्कस किया डेफिनेशन के अंदर, वो सिर्फ मैटेरियल रिक्विजिस्ट का मुताला किया। तो उन्होंने मुताला किया कि द स्टडी ऑफ द इफेक्ट कंसर्न विद द मैटेरियल रिक्विजिस्ट इकोनॉमिक्स इज द इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिव इफेक्ट, यानी कि जो इकोनॉमिक्स होती है वो इंडिविजुअल यानी कि सोशल कनेक्शन इस्तेमाई तौर पर वो काम करता है, इसके अंदर आता है फिर कनेक्ट होते हैं, एंड द मेन मकसद क्या होता है मटेरियल वेलफेयर ऑफ डिस्कस, यानी कि इंसान की वेलफेयर के लिए वो काम करता है। ठीक है जी, इनकी डेफिनेशन का मेन मकसद क्या है कि इंसान की ख्वाहिशात या इंसान की वेलफेयर के लिए वो काम करे, जिसमें इंसान की मादी नवाजमान को अशिया पैदा करे, अशिया पैदा करे, अशिया पैदा करने की काफिश की तरफ तवज्जो दे, इसको माशियात के दायरे में दाखिल किया गया है या इज्तमाई या ये काबिल इनफरादी हो या इज्तमाई, दोनों तरीके से भी हो सकती है। ये था अल्फर मार्शल, जो अल्फर मार्शल की थर्ड डेफिनेशन का थर्ड पॉइंट। अगर लास्ट पॉइंट का बात करें नॉट द स्टडी ऑफ द वेल्थ फॉर द सेक ऑफ वेल्थ, ये उन्होंने कहा कि दौलत पर दौलत का मुताला नहीं है। अल्फर मार्शल ने क्या 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 कहा, कहते हैं दौलत पर दौलत का ये इलम नहीं है। इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी वेल्थ फॉर द सेक ऑफ वेल्थ रेट एंड स्टडी वेल्थ सो दैट द बेसिक नेसेसिटी विद इंक्रीज इन ह्यूमन वेलफेयर बाय द बाय बी मस्ट बी द परचेज, यानी कि उन्होंने कहा कि माशियात का ताल्लुक इंसान की फला बहबूद से है, इंसान की रोजमर्रा ख्वाहिशात या काम से है। उन्होंने ये बताया था इस डेफिनेशन के अंदर कि इंसान ऐसा काम किया जाए जिससे दौलत कमाई जाए और इंसान अपनी ख्वाहिशात अपनी लवाजमात मादी लवाजमात को पूरा कर सके थे। ये था एडम स्मिथ की डेफिनेशन, मगर एडम स्मिथ की डेफिनेशन को दिया देखा जाए बच्चों, उन्होंने कहा था कि जो वेल्थ है वो गुड्स एंड सर्विसेज है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए काम करता है, तो इन्होंने भी यही कहा था, मगर ये जो डेफिनेशन थी अल्फर मार्शल की ये इसको बहुत मकबूलियत मिली। फिर उसके बाद फिर नए साइंटिस्ट एक और आए, इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये सेकंड लेक्चर में समझ आई होगी, आपके लिए एफर्ट की जा रही है, काइंडली जो आई काम डी काम और बी काम के स्टूडेंट है वो इनको जरूर पढ़िएगा, आपके लिए इंशाल्लाह इससे ज़्यादा अच्छे लेक्चर, इंशाल्लाह कोई टॉपिक आपके लिए मिस मैं नहीं करूँगा इंशाल्लाह दिन की रही तो। और इसके लिए आपको काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट्स भी देने पड़ेंगे, आप कमेंट भी दीजिएगा, सब्सक्राइब के लाइक भी कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़।